अस्सलाम वालेकुम प्यारे छात्रों, आज हम आठवीं कक्षा विषय हिंदी की पहली कविता हृदय का उजाला, इस कविता की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता के जो कवि है रमाकांत यादव, इन्होंने बहुत ही सरल और अच्छे अंदाज में ये कविता लिखी है। उनका कविता लिखने का उद्देश्य यही है कि आज हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे आसपास कई ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें बड़ी मुश्किल से एक वक्त का भोजन प्राप्त होता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वस्त्र पहनने के लिए नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें रहने के लिए घर नहीं है। कवि इस कविता के माध्यम से यही बात हमारे सामने रखते हैं कि हम त्योहारों में, उत्सव में कुछ ही घंटे के दिखावे के लिए हजारों लाखों रुपये खर्च करते हैं। कवि ये कहना चाहते हैं कि ये जो रुपया है जो कुछ ही घंटों में हम दिखावे में बर्बाद कर देते हैं, उसे ऐसे लोगों पर हमने खर्च करना चाहिए जिन्हें वस्त्र नहीं है, उन्हें वस्त्र देना चाहिए। जिन्हें भोजन नहीं है, उन्हें भोजन देना चाहिए। जिन्हें घर नहीं है, उनके लिए घर का प्रबंध करना चाहिए। कवि कविता में यही बात हमारे सामने रखते हैं कि हमारे समाज में कई असमानता है। कई दिवाली की खुशियां मनाई जा रही हैं तो कई पर गम ही गम है। हम देखते हैं कि कहीं पर दिवाली के लाखों दीप जलाए जाते हैं और कहीं पर घरों में रोशनी तक नहीं है। कभी यही बात हमारे सामने रखते हैं, कहते हैं कि जो हम फुलझड़ियां जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, कभी इसका विरोध करते हैं। कभी कहते हैं कि हम इन पैसों से उन लोगों की सहायता करें जो बेसहारा है, जिन्हें भोजन नहीं है उन्हें भोजन दें, जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाएं, जिनके पास वस्त्र नहीं है उन्हें वस्त्र दें। कवि का कहने का अर्थ यही है कि हमने उन बेसहारा लोगों को सहारा देना चाहिए जिन्हें उनकी ज़रूरत है। हम ऐसे लोगों की अगर सहायता करते हैं तो यकीनन हमें दिल से खुशी होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में अगर किसी को कोई चीज़ की आवश्यकता है और आप उसको पूरी कर सकते हैं तो ज़रूर पूरी करें।